हम कन्फेशन करेंगे। जब हम कन्फेस करते हैं तो हम, अगर हिंदी भाषा में बोलना चाहो तो हम हिंदी भाषा में बोल सकते हैं, अगर हम इंग्लिश भाषा में बोलना चाहो तो हम इंग्लिश भाषा में बोल सकते हैं, अगर हम अपनी भाषा में समझ के साथ बोलना चाहो तो वैसे कर सकते हैं, लेकिन हमने मुंह से बोलना बेहद ज़रूरी है। I give no place to sickness, disease or infirmity in my body. The Holy Spirit lives in me and He vitalizes, energizes, strengthens, and invigorates me, causing me to walk in perfect health daily. I live triumphantly unto God, who has separated me to Himself for glory, excellence and beauty. Glory to His name forever. Amen. मैं कोई भी जगह नहीं देता हूँ बीमारी को, व्याधियों को या फिर रोगों को मेरे शरीर के अंदर। पवित्र आत्मा मेरे अंदर रहता है और वही मुझे शक्तिवर्धक बनाता है, मुझ में ताकत भरता है, बल भरता है और मुझे स्फूर्ति भरता है, मुझे स्फूर्तिदायक बनाता है, मजबूती बनता है मेरे अंदर, जिसके कारण मैं सिद्ध सेहत में रोज चलता हूँ। मैं जयवंत होकर जीता हूँ परमेश्वर के प्रति, जिसने मुझे उसके लिए महिमा का कारण होने के लिए अलग कर लिया है। उत्कृष्टता, सुंदरता और महिमा के लिए महिमा हो उसके नाम के लिए सदा के समय, सदा सर्वदा के लिए। आमीन। हम मनन करने वाले वचन पढ़ेंगे, मेडिटेट करने वाले वचन पढ़ेंगे। फर्स्ट कोरिंथियंस 3 चैप्टर 16 वर्स 17 वर्स, सेकेंड कोरिंथियंस 6 चैप्टर 14 वर्स 15 वर्स 16 वर्स, एक्ट्स 1 चैप्टर 8 वर्स। हम मेडिटेट करने वाले, मनन करने वाले वचन पढ़ेंगे। पहले कुरंथियों के पत्री 3 अध्याय 16 वचन से 17 वचन, कुरंथियों की पत्री 6 अध्याय 14 वचन से 16 वचन, प्रेरितों के काम 1 अध्याय 8 वचन हम पढ़ेंगे हिंदी में, दी एस आई बाइबल में से
इंग्लिश में पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से। फर्स्ट कोरिंथियंस 3:16-17 किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे। नो ये नॉट दैट ये आर द टेम्पल ऑफ गॉड एंड दैट द स्पिरिट ऑफ गॉड ड्वेलथ इन यू। इफ एनी मैन डिफाइल द टेम्पल ऑफ गॉड हिम शल गॉड डिस्ट्रॉय। For the temple of God is holy, which temple ye are? और एक बार पढ़ेंगे 1 Corinthians 3:16-17 किंग्स जेम्स वर्शन में से। नो ये नॉट दैट ये आर द टेम्पल ऑफ गॉड एंड दैट द स्पिरिट ऑफ गॉड dwelleth इन यू। इफ any man defile the temple of God, him shall God destroy. For the temple of God is holy, which temple ye are? हम पढ़ेंगे पहले कुरंतियों की पत्री उसका 3:16-17 तक। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। और एक बार पढ़ेंगे पहले कुरंथियों की पत्री 3:16-17। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। हालेलुया। सेकेंड कोरिंथियंस 6:14-16 तक किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे। बी ये नॉट अनइक्वली योक्ड टुगेदर विथ अनबिलीवर्स। फॉर व्हाट फेलोशिप हैथ राइटियसनेस विथ अनराइटियसनेस? And what communion hath light with darkness? And what concord hath Christ with Belial? Or what part hath he that believeth with an infidel? And what agreement hath the temple of God with idols? For ye are the temple of the living God. As God hath said, I will dwell in them and walk in them, and I will be their God, and they shall be my people. Aur ek bar padhenge 2 Corinthians 6:14-16 किंग्स जेम्स वर्शन में से। बट ये नॉट अनइक्वली योक्ड टुगेदर विथ अनबिलीवर्स। फॉर व्हाट फेलोशिप हैथ राइटियसनेस विथ अनराइटियसनेस? एंड व्हाट कम्युनियन हैथ लाइट विथ डार्कनेस? एंड व्हाट conquered Christ with Belial? Or what part hath he that believeth with an infidel? And what agreement hath the temple of God with idols? For ye are the temple of the living God. As God hath said, I will dwell in them and walk in them,
एंड आई विल बी देयर गॉड एंड दे शैल बी माई पीपल। इन्हीं वचनों को हम पढ़ेंगे हिंदी DSR बाइबल में से। दूसरे कुरंतियों की पत्री 6 अध्याय उसका 14 वचन से 16 वचन हम पढ़ेंगे PSI बाइबल में से। दूसरे कुरंतियों की पत्री उसका 6 अध्याय 14 वचन से 16 वचन तक हिंदी BSR बाइबल में से पढ़ेंगे। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जूतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर है, जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूँगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। हालेलुया। और एक बार पढ़ेंगे दूसरी कुरिन्थियों की पत्री 6 अध्याय 14 वचन से 16 वचन तक, कि ये PSI बाइबल में से पढ़ रहे हैं। असमान जुए में न जूतो, 14 वचन से 16 वचन तक। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जूतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर है, जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। Acts 1:8 किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे। Acts 1:8 बट ये शाल रिसीव पावर आफ्टर दैट द होली गोस्ट इज कम अपॉन यू, एंड ये शाल बी विटनेसेस अनटू मी बोथ इन जेरूसलेम एंड इन ऑल जूदिया एंड इन सेमेरिया एंड अनटू द अटरमोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ। और एक बार पढ़ेंगे Acts 1:8 किंग्स जेम्स वर्शन में से। बट ये शाल रिसीव पावर आफ्टर दैट द होली गोस्ट इज कम अपॉन यू, एंड ये शाल बी विटनेसेस unto me both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth। Hallelujah। हम हिंदी में पढ़ेंगे इसी वचन को, DSI बाइबल में से पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 1:8 DSI बाइबल में से पढ़ेंगे हिंदी में। परंतु
जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। हालेलुया। हम और एक बार पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 1:8 BSI बाइबल में से। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह रहेंगे। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पवित्र पिता परमेश्वर, आपके वचनों ने हमें तसल्ली और आनंद दिया है, हमें शक्ति भरकर, हमें सारे समय के लिए, आने वाले समय के लिए हमें तैयार किया। इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हमें कबूली के द्वारा, मनन के वचनों के द्वारा आपने ईश्वरीय रचना में, डिवाइन ऑर्डरलीनेस में फिट एंड फिक्स किया। इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। नासरी यीशु के नाम में हम मांगते हैं कि हमें इन वचनों का भेद हमारे मन में खुलता रहे और अज्ञानता के कारण हमारा नाश ना हो। नासरी यीशु के नाम में विनती करते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन आमेन आमेन।